तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड एंड उम्मीद करता हूँ कि आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2025 में या फिर 2026 में अपना यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है दे रहे हैं, ठीक है, और बहुत जी जान से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, और उसमें हमारा हम इस सेशन में काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या रहेगा, ठीक है, कब कब हम लोग आपको टेस्ट देंगे, आप हमें कब उसको जो है सोल्यूशन आंसर जो राइटिंग है वो हमें प्रोवाइड करेंगे, फिर हम आपको चेक करके कब देंगे, फिर उसका सोल्यूशन हम कैसे कैसे आपको प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्ट कॉपी, वीडियो, मैनी थिंग्स, ठीक है, किस तरीके से हम लोग आपको गाइड करेंगे। तो आज के सेशन में सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, तो सेशन को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सबके माइंड में रहता है कि हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे किस प्रकार चूज करते हैं। तो मैं इकोनॉमिक्स की ही बात कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स का जो जो सब्जेक्ट है एज एन ऑप्शनल, वही लोग लेते हैं, या तो उन्होंने अपने अंडर ग्रेड में इकोनॉमिक्स को पढ़ा हुआ हो, ठीक है, या फिर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हो, क्योंकि मतलब अब क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया तो मास्टर्स वाले भी आते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मास्टर्स होते हैं, या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पीएचडी भी कर रहे होते हैं और फिर वो इस एग्जाम को देते हैं, ठीक है, तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई है यहाँ पर, राइट। तो इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल वही सब्जेक्ट वही लोग लेते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को कभी ना कभी पढ़ा हुआ होता है, लेकिन होता है क्या है कि सभी लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं करते। बट जहां बात आ जाती है खुद को टेस्ट करने की, तो सभी लोग खुद को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं। और मजे की बात यही है कि आप चाहे, क्योंकि शायद आपको ना पता हो, बट जो कॉम्पिटिटर्स है ना आप लोगों के, वो एक जगह से भी नहीं करते टेस्ट सीरीज, कम से कम 3 से 4 जगह, मतलब वो देखते हैं कितने लोग अवेलेबल हैं, ट्राई करते हैं कि हम हर जगह से कर लें। मॉनेटरी कंस्टेंट आ जाता है तो वो लिमिटेड एरिया से टेस्ट सीरीज कर पाते हैं, तो कम से कम 3 से 4 जगह वो टेस्ट सीरीज को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग योरसेल्फ वाला गेम है। जितना आप खुद को टेस्ट कर लोगे, जितना आप अपने आप को चेक करवा लोगे सामने वाले से, ठीक है, उतने ही आपका एग्जाम में आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो मैंने क्या करा है, मैंने जितने भी लोग जो है इकोनॉमिक्स ऑप्शन की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मैंने सभी लोगों की टेस्ट सीरीज को देखा हुआ है और मैंने ये एनालाइज करा हुआ है कि वो लोग किस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं। मैंने एक चीज और नोटिस करी कि सभी लोगों की जो टेस्ट सीरीज होती है वो रिलेटिवली सेम होती है, क्योंकि सिलेबस ही सेम है। अब ऐसा थोड़ी कि कोई क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन देने के चक्कर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा नहीं होता। सिलेबस के अंदर ही रहेंगे, बस लैंग्वेज बदल जाएगी, ठीक है, बट आपका आधे को बताओ, किसी भी इंस्टीट्यूट वालों ने अपनी टेस्ट सीरीज में लैंग्वेज बदल दी कि थोड़ा डिफरेंशिएशन हो जाए टेस्ट सीरीज में, बट जो आप आंसर जो लिख रहे हो वो तो किसी सेम रेफरेंस से लिख रहे होंगे, आंसर तो बदल नहीं सकते ना। अब मोनोपोली की जो एक्सप्लेनेशन है वो तो सेम रहेगी, या किसी भी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन होगी वो तो सेम रहेगी। तो ध्यान रखना, आंसर रिमेन सेम, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बदल जाएं। तो मैंने सबके टेस्ट सीरीज को एनालाइज करके फिर अपनी टेस्ट सीरीज बनाई है, और ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आज मैं पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या क्या हमारा शेड्यूल यहाँ पे रहेगा। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है ये एक तो उन लोगों के लिए है जो 2025 में दे रहे हैं, ठीक है, 2025 में दे रहा हूँ, 2026 में अगर कोई है पर्सन तो वो भी इस जो है टेस्ट सीरीज को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्क बस इतना हो जाएगा जो 2026 में दे रहे हैं हम उनको दो ऑप्शन देंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम आपको दो ऑप्शन देंगे, कि एक तो टेस्ट आप अब दीजिएगा फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, और एक टेस्ट आप अपने टर्न पर दीजिएगा, ठीक है, वो रहेगा आपका। एंड जो हमारा टेस्ट सीरीज जो का जो शेड्यूल स्टार्ट होगा, दैट इज टोटल टेस्ट हम लोग आपको कितने देने वाले हैं, हाउ मेनी टेस्ट, तो टोटल टेस्ट हमारे यहाँ पे रहेंगे 18 टेस्ट हम लोग यहाँ पे आपको देंगे, और 18 टेस्ट में जनरली आपको बताऊंगा आपके पेपर दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग,
5 से 6 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे इंक्लूडेड रहते हैं। इसलिए हम जैसे अगर बात करें जो टोटल टेस्ट 18 है, तो पेपर 1 में हम लोग 11 टेस्ट आपसे लेंगे, ठीक है, 11 टेस्ट होंगे पेपर 1 में। और पेपर 2 के अंदर हमारे जो होंगे बेटा, दैट इज 7 टेस्ट पेपर 2 में होंगे, ठीक है। पेपर 2 में भी अपने आप में बहुत ही बड़ा जो है टॉपिक है, बहुत सारी चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब जो टेस्ट हम लोग आपके लिए ले रहे हैं, तो ये 2 प्रकार से होंगे। एक होगा आपका जैसे 11 टेस्ट से पेपर 1, तो एक पार्ट होगा आपका सेक्शनल, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल माइक्रो है, तो माइक्रो का हमने जब जैसे बहुत सारे टॉपिक्स है, तो कुछ टॉपिक्स हमने उठा लिए, वो आपको टेस्ट में दे दिए, ठीक है। मैक्रो में क्लासिकल्स और केन्स का टॉपिक हमने रख दिया, ठीक है। तो वो हम आपको टेस्ट का शेड्यूल, जो भी टेस्ट होगा और प्लस उसका सिलेबस, वो भी हम आपको बताएंगे। तो जो सेक्शनल टेस्ट होंगे, इसके अंदर हम लोग आपसे 8 सेक्शनल टेस्ट लेंगे और 3 लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, ठीक है। 3 हम लोग यहाँ पे लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, ठीक है। तो 2 प्रकार के हमारे पास यहाँ पे टेस्ट रहेंगे, क्या क्या, 8 हमारे होंगे फ्रैक्शनल टेस्ट और 3 होंगे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव में पूरा सिलेबस होगा पेपर 1 का। सिमिलरली जो 7 टेस्ट होंगे, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगे, फ्रैक्शनल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसमें 4 हमारे फ्रैक्शनल टेस्ट होंगे और 3 हमारे कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे, ठीक है। और पूरा शेड्यूल हमारा रहेगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है? तो बेटा ये जो टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, दैट इज बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 12th अक्टूबर, ठीक है। और जैसे आज है एक डेट, तो 12 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज हमारी बेटा स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम 12th अक्टूबर 2024 यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ये सैटरडे है, ठीक है। और हमने जो प्लान करा है, थोड़ी प्लानिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो यही है कि देखो आप लोग बहुत ज्यादा बिजी हो, प्रिपरेशन में बिजी हो, तो आपके पास शेड्यूलिंग की बड़ी दिक्कत है। तो हमने ये प्लान करा है कि सैटरडे इवनिंग में हम आपके लिए पोर्टल पे टेस्ट अपलोड कर दे करेंगे। अब देखिए आप कभी भी ज्वाइन करें, मान लीजिए कोई एस्पिरेंट थोड़ा बाद में ज्वाइन कर रहा है, तो फिर उनके लिए टेस्ट फ्लेक्सिबल रहेंगे। मतलब हम तो टेस्ट अपने शेड्यूल से अपलोड करेंगे, बट ये जो टेस्ट है वो फ्लेक्सिबल है, आपकी मर्जी है। तो आप जैसे आप मान लीजिए कोई पर्सन दिसंबर में ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, लेट सपोज, तो टेस्ट आपको वही सेम आपको आपके पोर्टल पे आ जाएंगे, ठीक है। और आप पहले टेस्ट दीजिएगा, एंड जैसे आप पहला टेस्ट देंगे, ये हम चीज रखेंगे कि जब आप पहला टेस्ट दोगे या जो भी आप टेस्ट दोगे, उसका सोल्यूशन आपको टेस्ट के बाद मिले, ठीक है। क्योंकि आपका पोर्टल पे हम इसी प्रकार सेटिंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो एवरी सैटरडे इवनिंग यू विल गेट द टेस्ट, S1, 2, 3, एंड ऑन द नेक्स्ट डे संडे। ये तो हमारा ऑफिशियल शेड्यूल है, अदरवाइज आपका शेड्यूल आपके हिसाब से चेंज हो जाएगा, आपकी फैसे फ्लेक्सिबल रहेगा, जरूरी नहीं कि आप फिर, बट हम लोग अपलोड ये करा करेंगे, ठीक है। और हाँ, ये मैं आपसे कोशिश यही मैं करूंगा आपके लिए, और ट्राई करूंगा कि आप ये कोशिश करो कि आप जिस दिन टेस्ट दो, सोल्यूशन उसके अगले दिन देखो, ठीक है। अगर आपके पास सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके पास सोल्यूशन आ गया, मान लीजिए आपने बहुत लेट ज्वाइन किया, मजबूरन हमें आपको सारा कंटेंट देना पड़ेगा टेस्ट से पहले ही, तो ऐसा नहीं करना कि पहले सोल्यूशन देख लो फिर आंसर करो, ऐसा नहीं करना आप, ठीक है। तो आपको संडे इवनिंग तक आपको वो सॉफ्ट कॉपी में पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, प्लस उसकी वीडियो सोल्यूशन, ठीक है, मतलब वीडियो में भी उसका सोल्यूशन हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और टेस्ट 12 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, 12 अक्टूबर से लेकर फिर अगला टेस्ट आपका 19 अक्टूबर के होगा, ऐसी सीक्वेंस चलते रहेगा, और आगे जाते जाते 8 फरवरी 2025, 8 फरवरी को आपका जो है लास्ट टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही प्रोसीजर आपके लिए रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बता दिया आपको टेस्ट। हाँ, अब कब कौन सा टेस्ट होगा वो आपको मैं हम बता दे करेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला पहला टेस्ट तो हम लोग रख देंगे, जो भी लोग ज्वाइन कर लेंगे वो देख लेंगे, बट हम हर टेस्ट से पहले आपको शेड्यूल बता देंगे कम से कम 3 से 4 दिन पहले। तो जो आपका 12th अक्टूबर को टेस्ट होना है, उसका शेड्यूल आपका 10th ऑफ अक्टूबर को, यानी कल,
अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड अभी क्वेश्चन आता है कि सर हम कैसे इसको तैयार करेंगे, मान लीजिए कोई टॉपिक हमारा वीक है। देखिए ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुल कोर्स कोचिंग ज्वाइन नहीं करते, कहीं पर भी नहीं करते, ना सेमिकॉन में ना कहीं और, लेकिन टेस्ट सीरीज सब करते हैं। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड, अगर किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक वाइज प्रॉब्लम है, ठीक है, तो टॉपिक वाइज अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है टू फेस एनी टॉपिक वाइज प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए आपको टॉपिक ही नहीं आता, फंस गया, तो हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट, तो पहली बात तो हम आपको इसमें सोल्यूशन दे रहे हैं। अगर कुछ टॉपिक्स स्पेशल टॉपिक्स हैं जिनमें हमें लगता है कि ये बच्चों को आने चाहिए, तो उन टॉपिक्स की भी हम वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एक टॉपिक है हमारा वॉलरिस इक्विलिब्रियम, ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम का पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में, या आप कह सकते हो जनरल इक्विलिब्रियम, ये पेपर में नो डाउट आता है, हमेशा आता है, तो इसका हम आपको कंटेंट करवाएंगे स्पेशली, ठीक है, वो हम देखेंगे टाइम टू टाइम के कैसे चीज है बेटर हमारे लिए यहाँ पे रहेंगी। तो गाइस, सो दिस इज द होल शेड्यूल ऑफ योर टेस्ट सीरीज, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें आपको दे रखी हैं। जो है आपको हमारे एप्लीकेशन है सेमिकॉन क्लासेस का, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के नाम से, इकोनॉमिक ऑप्शनल में, ठीक है, तो वहां पे आपको सब चीज गिवन होंगी, ये पूरा शेड्यूल आपके लिए वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। इन केस किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9810836285, गॉट इट, ठीक है। तो आज के लिए बस ये अनाउंसमेंट है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।